करते हैं से कमीशन से। अच्छा ये कमीशन क्या होता है, कब मिलता है, किससे मिलता है, क्यों मिलता है? कमीशन नॉर्मली सेल्समैन को मिलता है टारगेट्स अचीव करने पे ना। ओके तो ऐसा ही है। अच्छा लेकिन कमीशन क्या है? कमीशन इज ऑफन पेड टू एम्प्लॉयज हु हैव सक्सीडेड इन मेकिंग अ सेल। तो नॉर्मली सेल्समैन को दिया जाता है टारगेट्स अचीव करने पे। इट इज नॉर्मली अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सेल। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 9। एवरी डे सेल्समैन सेलिंग मशीनरी रिसीव्स अ कमीशन ऑफ 2% ऑन ऑल सेल्स विद एन एडिशनल 0.5% फॉर एनी आइटम ऑफ मशीनरी सेलिंग फॉर मोर देन 10,000। उसके बाद इन एडिशन ही रिसीव अ फर्दर 0.5% ऑन सेल्स इन एक्सेस ऑफ 1 लाख पर मंथ। तो तीन कमीशन है इसके ना, पहला 2% ऑन ऑल सेल्स है, 5% ऑन मशीनरी सेलिंग फॉर मोर देन 10,000 मतलब एक्सपेंसिव आइटम सेल करने पर, और फर्दर 5.5% है 1 लाख से एक्सीड करने पर। अच्छा ये तो उसके टारगेट्स हो गए, अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। ड्यूरिंग जुलाई टोटल सेल्स अमाउंटेड टू 1,10,000। इंक्लूड इन दिस वर टू एक्सपेंसिव मशीन, वन सेलिंग फॉर 12,000 एंड अदर फॉर 17,000। हाउ मच कमीशन हेनरी अर्न्स? टोटल कमीशन कैलकुलेट करना है। ओके कंप्लीट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया, 2% ऑन ऑल सेल्स है ना, ठीक है। क्वेश्चन 9, पहले इसका कमीशन क्या, 2% ऑन ऑल सेल्स। अब टोटल सेल्स कितनी है, 1,10,000, तो 1,10,000 का 2%, ठीक है, कितना बन रहा है, कितना होगा, 2,200, ठीक है। तो इसका बेसिक कमीशन हो गया 2,200। इसके बाद लिखा है विद एन एडिशनल 0.5% फॉर एनी आइटम ऑफ मशीनरी सेलिंग फॉर मोर देन 10,000। तो ये दो मशीन जिसने सेल की, एक 12,000 की, दूसरी 17,000। अब ये 12,000 का 0.5% और 17,000 का भी 0.5% कमीशन मिल जाएगा। ये कितना बन रहा है, 600, और 17,000 का 0.5%, कितना, 850, ठीक है, 850, 860, या 60 और 85, वन परसेंट 120 हो जाएगा, 60 सही है, 1% 170, उसका हाफ 85, ठीक है। अच्छा इसके बाद लेकिन इन एडिशन ही रिसीव्स अ फर्दर 0.5% ऑन सेल्स इन एक्सेस ऑफ 1 लाख पर मंथ। अब टोटल सेल्स कितनी है, 1,10,000, तो एक्सेस सेल्स कितनी हो गई, 10,000, ये तो टारगेट है ना, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। टोटल सेल कितनी है, 1,10,000, तो एक्सीड कितना कर रही है, 10,000। अब 10,000 का 0.5% यूज आएगा 50, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सही। चारों को ऐड कर लेते हैं,
टोटल बन रहा है 2395 10,000। नहीं मैंने, हाँ पहले से ही लिखा था, जीरो ज्यादा कर दिया, 10,000 ही था ना, 10,000 आएगा एक्सेस अमाउंट का ना। ठीक, आंसर हो गया 2395। कॉपी कर लें। नहीं, अच्छा, 10 में एंट्रीज और टी अकाउंट्स हैं, ये बाद में सॉल्व करेंगे, पहले 11 करते हैं। ऐसे नंबर 11 10 बाद में सॉल्व करेंगे। अच्छा, द 11 है जो मार्गरेट वर्क्स इन अ लाइब्रेरी, शी इज पेड ऑन एन आवरली बेसिस, आर बेसिक रेट फॉर द 35 आवर्स, कितने नॉर्मली वर्क्स इन अ वीक इज 6 पर आवर। बेसिक रेट फॉर 35 आवर्स शी नॉर्मली वर्क्स अ वीक इज 6 पर आवर का रेट है, ठीक है। द फर्स्ट 5 आवर्स ओवर टाइम आर पेड एट अ टाइम एंड क्वार्टर, एंड इन मोर वे ओवर टाइम आवर्स वर्कड आर पेड एट टाइम एंड हाफ, ठीक है। इन द वीक एंडेड 3rd August 2022 शी वर्क टोटल ऑफ 47 आवर्स, ठीक है। अच्छा, ओवर टाइम आवर्स कितने हुए टोटल, टोटल ओवर टाइम कितने आवर्स का है, टोटल ओवर टाइम कितने आवर्स का हुआ, 12 आवर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, फॉर द वीक एंडेड 3rd August कैलकुलेट मार्गरेट बेसिक पे एंड द ओवर टाइम पेमेंट शी रिसीव्स शोइंग हाउ ईच इज मेड अप, ठीक है। पहले तो इसकी, ठीक है, बेसिक पे कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिक पे कितनी होगी, 35 × 6 कितना बन रहा है, 210। अच्छा, ये तो बेसिक पे हो गया। उसके बाद ओवर टाइम, अच्छा ओवर टाइम, ठीक है। अच्छा, ओवर टाइम में क्या था, फर्स्ट 5 आवर्स, 5 आवर्स का ओवर टाइम अलग कैलकुलेट करेंगे, और अच्छा टोटल ओवर टाइम कितना है, 12 आवर्स है। अच्छा, पहले फर्स्ट 5 आवर्स का रेट अलग है, बाकी आवर्स का रेट अलग है ना, ये 5 आवर्स हो गए और ये 7 आवर्स हो गए, दोनों का ओवर टाइम अलग अलग कैलकुलेट होगा। अच्छा, 5 आवर्स को मल्टीप्लाई किससे करना है, ब्रेड क्या दिया इसने, टाइम एंड अ क्वार्टर, टाइम एंड अ क्वार्टर, ठीक है। अच्छा, जिस तरह आप लोग एमए में पढ़ते हो उसी तरह से पहले समझा देता हूँ, ठीक है। टाइम एंड क्वार्टर तो आप लोग क्या निकालते हैं, बेसिक पहले कैलकुलेट करते हैं एमए में पहले, और उसके बाद इसका प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं ना। प्रीमियम का रेट क्या हो जाएगा, 6 का क्वार्टर 1.5, सही। तो 7 को कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 × 6 ऐसे हो जाएगा, और फिर इसका रेट क्या था, टाइम एंड हाफ, हाफ हो जाएगा, 6 का हाफ 3, ठीक है। एमएम भी चीजें ना कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 5 × 6 कितना हो जाएगा, ये 30, 5 × 1.5 7.5, 7 × 6 42, और 7 × 3, इन चारों को ऐड कर लेते हैं, पांचों को टोटल कर लें, 310.5 आपकी ग्रॉस पे आ जाएगी ना। अच्छा, अब जो ओवर टाइम कैलकुलेट किया मैंने, इसको आप इस तरह भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, अब लिखें 5 आवर्स है, तो रेट क्या है, 6 और 1.5 है ना, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 7.5 हो जाएगा, 7.5, ये कितना बनेगा, 37.5। अच्छा, और ये हमने जो 7 है इसको भी अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो ये होगा 7 ×
9 हो जाएगा। टोटल क्या बन रहा है इसका, 63। लेकिन यहाँ पर अगर 38 और ये 7.5 को ऐड करें तो वही 37.5 बन रहा है, और 42 और 21 को ऐड करें तो वही 63 बन रहा है। इस तरह आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अलग अलग करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो आंसर आ गया 310.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ देखा, क्वेश्चन नंबर 12। ए में तो क्या है, 40 × 5 200 आंसर आ जाएगा इसका। आप बी, अच्छा देखिए बी में क्या लिखा है, फॉर अ 40 आवर्स वीक इफ वन डे इज वर्कड ऑन सैटरडे। अच्छा वन डे में कितने आवर्स काम कर रहे हैं, 8 आवर्स अ डे ना। अब इसमें से 32 आवर्स के वीकडेज के होंगे और 8 आवर्स सैटरडे के होंगे। यहाँ पे इसको हम ब्रेक करेंगे 32 और 8 में। अब वीकडेज का रेट क्या है, 5 है, ये कितना बन रहा है, 160। और वीकेंड का रेट क्या है इसका, 7.5, नाइट शिफ्ट है और वीकेंड का रेट है 10। 8 × 10 80 हो जाएगा, टोटल होगा 240। वन सिक्सटी और 80 कितने होते हैं। चलिए सी पार्ट, सी में फॉर अ 40 आवर्स वीक ऑफ नाइट शिफ्ट एंड एडिशनल 4 आवर्स ओवर टाइम है। अच्छा 40 आवर्स तो बेसिक हो गया, 40 × 5 200। अच्छा ये नाइट शिफ्ट डबल क्या है, नाइट शिफ्ट का रेट है 7.5, तो 40 × 7.5 टाइम हो रहा है। अच्छा क्या बन रहा है, 40 × 7.5 अच्छा ओवर टाइम इसका कितना है, 4 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, 4 × 10 क्या है, पहला गया 7.5 पर आवर नाइट शिफ्ट 7.5। अच्छा ये तो वीकेंड का 10 है ना, कितना बन रहा है, 30। तो टोटल हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। बोरिस इज अ पीस वर्कर एंड इज पेड 5 पर विजिट प्रोड्यूस्ड, हाउएवर ही गेट्स अ गारंटेड मिनिमम ऑफ वेज ऑफ 30, एंड इफ ही वर्क्स मोर देन 50 आवर्स इन अ वीक ही गेट्स 2 पर आवर एज ओवर टाइम। अच्छा इफ ही प्रोड्यूसेस ओवर 60 विजिट्स पर वीक ही गेट्स 6 पर विजिट ओवर 60। ठीक है थोड़ा सा घुमा दिए। अच्छा दे, हाउ मच वुड ही अर्न इन ईच ऑफ फॉलोइंग वीक्स। अच्छा इन द वीक एंडिंग 13 मार्च बोरिस मेड 50 विजिट्स एंड डिड 4 आवर्स ऑफ ओवर टाइम।
अच्छा, तो रेट इसका क्या है? 50 पर यूनिट कितना है? 5 पर विजिट है ना? ठीक है, तो पहले 13, कितने यूनिट बने? 50। बेसिक रेट कितना है इसका? 5 पर पीस विजिट है इंटू 5, हो गया 250। और आगे लिखा है डेट 4 आवर्स ऑफ ओवर टाइम। तो ओवर टाइम पे रेट कितना है? 2 पर आवर एज ओवर टाइम, 4 × 2 = 8, टोटल हो जाएगा 258। ये तो एक आंसर हो गया, 258। बी पार्ट सिंपल, तब ये इन द वीक एंडिंग 20th मार्च ही प्रोड्यूस्ड 1 विजिट, 1 × 5, ये बन गया 5। आंसर क्या होगा? हाँ, अब देखिए, इसके गारंटेड अमाउंट 30 का है, क्योंकि एक्चुअल कम बन रहा है 5, तो इसलिए इसको गारंटेड अमाउंट मिलेगा ना। आंसर क्या होगा? 30, मिनिमम वेज मिल जाएगी। अब किस पैसे जाने लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम वेज मिलेगी इसको कितनी? 30। तो बी का आंसर होगा 30। तो एक्चुअल वेज गारंटेड अमाउंट से कम है, तो गारंटेड अमाउंट मिल जाएगा। सी पार्ट, इन द वीक एंडिंग 27 मार्च ही प्रोड्यूसेस 6 विजिट्स, तो 6 × 5 30 मिलेंगे, क्योंकि गारंटेड अमाउंट पे 30 है, एक्चुअल भी 30 है, तो 30 मिल जाएंगे। ठीक है, डी पार्ट, इन द वीक एंडिंग 3rd अप्रैल बॉरिस प्रोड्यूस 70 विजिट्स एंड वर्क 6 आवर्स ओवर टाइम, तो इसमें कुछ रेट में फर्क था ना। इफ ही प्रोड्यूसेस ओवर 60 विजिट पर वीक, ही गेट 6 पर विजिट है। इसको तो 60 तक की पेमेंट 5 के रेट से होगी, और एक्स्ट्रा कितने 10 है, तो उसकी पेमेंट 6 के रेट से हो जाएगी ना। 60 × 5 300, और 10 × 6 60, 60 यूनिट्स की पेमेंट 5 के रेट से होगी, और बाकी 10 की पेमेंट 6 के रेट से हो जाएगी। ओवर टाइम कितना है इसका? 6 आवर्स, और ओवर टाइम का रेट कितना है? 2 पर आवर, 6 × 2 = 12। ऐड कर लेते हैं, 372 इसकी कॉस्ट पे आ जाएगी। कॉपी कर लें, 14। में कमीशन है, पहले 5% ऑन फर्स्ट $20,000, 7.5% ऑन एनी सेल इन एक्सेस ऑफ दिस अमाउंट, हाउ शी इज ओनली पेड कमीशन व्हेन आइदर द कस्टमर पेड फॉर द ऑर्डर और हैज टेकन आउट द फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। इन अक्टूबर शी मेड सेल्स ऑफ 35,000, हाउएवर टू कस्टमर रिफ्यूज टू पे और टेक आउट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, वन हैड ऑर्डर कॉस्टिंग 1500 एंड अदर गुड्स कॉस्टिंग 25। अच्छा, इन दो की तो पेमेंट नहीं होगी ना, तो 1500 और 25 टोटल हो गए 4000। तो 35 में से 4 माइनस कर देंगे, 31,000। अब 31,000 की पेमेंट होगी, तो फर्स्ट 20,000 पे 0.5%, और बाकी 11,000 पे 7.5 है। लाइक टोटल सेल्स हैं 35,000 की। अब एक कस्टमर है फिर जिसने 1500 का ऑर्डर किया था, ये माइनस कर देंगे, और सेकंड कस्टमर था जिसने 25 का ऑर्डर किया था, ये भी माइनस, तो आप टोटल सेल्स रह गई 31,000। 31,000 पे कमीशन मिलेगा, फर्स्ट 20,000 का कमीशन है 5% के रेट से 1,000, और बाकी 11,000 कमीशन मिलेगा 7.5% के रेट से,
डेट। टोटल 1 8। ठीक है, टोटल कमीशन आ गया 1825, 825। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 15। डेलीज इज अ सैलरीड वर्कर है, ऑल्सो रिसीव ओवर टाइम 10 पर आवर फॉर 4 आवर्स वर्क ओवर 156 अ मंथ। ओके एंड अ प्रोडक्टिविटी बोनस ऑफ 5% ऑफ हर बेसिक मंथली पे इफ द क्वालिटी ऑफ हर वर्क एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन। हर सैलरी वॉज 12,000 पर ईयर, पेबल इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। 12,000 पर ईयर है, दिस हैज बिन इंक्रीज टू 15,000 बाय एग्रीमेंट ऑन 1 मई। अच्छा, बैक डेटेड टू जनवरी 1। In May she works 175 hours and produce work of better quality than standard. अच्छा पहले ये बताएं, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? बैक डेटेड टू जनवरी 1, 12,000 पर ईयर सैलरी थी उसकी, अब इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 15,000 पर ईयर ऑन 1 मई को इंक्रीज हुई है, ठीक है, लेकिन आगे लिखा है बैक डेटेड टू जनवरी 1, इसका मतलब क्या है? का मतलब क्या है? ये जो इंक्रीमेंट है ये अप्लाई कब से होगा, मई 1 से या जनवरी 1 से? मई 1 इंक्रीमेंट हुआ कब है? मई 1 को अप्लाई कब से होगा? ये अप्लाई होगा जनवरी 1। देखिए, बैक डेटेड टू जनवरी का मतलब यही है, बैक डेटेड टू 1 जनवरी, ये अप्लाई होगा 1 जनवरी से, ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ कब? 1 मई को, लेकिन बैक डेटेड टू जनवरी 1 है, तो इसका मतलब ये अप्लाई होगा 1 जनवरी। यानी कि जो मई की उसकी सैलरी मिलेगी ना, मई में, उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने के जो इंक्रीमेंटल एरियर्स हैं वो भी मिलेंगे, एरियर्स मिलेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट होना था आपका ऐसे कि भाई जनवरी 1 को इंक्रीमेंट होना था, किसी वजह से इंक्रीमेंट नहीं हो सका, ठीक है। अब वो डिले होते होते कहाँ नौबत आ गई, मई तक बात पहुंच गई, मई में जाके आपका इंक्रीमेंट हुआ। अब 4 महीने आपको पुरानी सैलरी मिली, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और इंक्रीमेंट का वो है मई में, तो मई में आपको पिछले 4 महीनों के जो इंक्रीज अमाउंट है एरियर्स वो मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कभी ऐसा हो गया इंक्रीमेंट लेट हो जाता है, तो पिछले मंथ के आपको जो एरियर्स हैं वो मिलते हैं, प्रैक्टिकली भी होता है। यहाँ पर ये बैक डेटेड टू जनवरी का मतलब यही है कि जो इंक्रीमेंट हुआ है ये अप्लाई कब से होगा, जनवरी 1, ठीक है। जिसको इंक्रीमेंट लेट मिला, जनवरी में मिलना चाहिए था, मई में मिला है, लेकिन अप्लाई होगा जनवरी से, तो 4 महीने के एरियर्स भी मिलेंगे। अच्छा पहले तो हम इसकी बेसिक पे निकाल लेते हैं ना, मंथ जो मई की, इसकी पहले तो बेसिक पे निकाल लें। बेसिक पे कितनी हुई? देखिए 15,000 पर ईयर है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, पर मंथ कितनी आ रही है? 1250, 1250, ठीक है। तब इसका ओवर टाइम वगैरह निकालते हैं। सैलरीड वर्क ऑल्सो रिसीव ओवर टाइम ऑफ 10 आवर, 10 पर आवर फॉर आवर्स वर्क ओवर 156। टोटल आवर्स कितने हैं इसके? 175, तो एक्सेस कितने हुए? 19, 19 आवर्स का ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम हो जाएगा 19 × 10, तो 190 इसका टोटल ओवर टाइम हो गया। जिसके बाद क्या था? प्रोडक्टिविटी बोनस ऑफ 5% ऑफ हर बेसिक मंथली पे सैलरी इफ द क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सीड एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ लिखा हुआ है, एंड प्रोड्यूस वर्क ऑफ बेटर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। तो ये इसको प्रोडक्टिविटी बोनस मिल जाएगा।
ये इसका बोनस हो गया। अच्छा 5% किसका है? 5% ऑफ बेसिक मंथली सैलरी। तो मंथली सैलरी थी इसकी 1250, 1250 का 5% 62.5। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए यहां पर आए, अभी ये जो बैक डेटेड वाली बात हमने की थी, जो इंक्रीमेंट हुआ है ये बैक डेटेड है, तो पिछले 4 महीने के इसको एरियर्स मिलेंगे। अच्छा पुरानी सैलरी कितनी थी इसकी पर मंथ? 12,000 पर ईयर, तो पर मंथ 1,000 हो जाएगी। अच्छा तो अभी आपके एरियर्स हैं, एरियर्स मिलेंगे इसको कब से कब तक के? जनवरी टू अप्रैल, ठीक है, ये इसके एरियर्स होंगे लास्ट 4 मंथ के ना। तो एरियर्स निकालते हैं, तो पहले इसकी सैलरी थी 1,000 पर मंथ, अब हो गई 1,250 पर मंथ। एक्सेस अमाउंट कितना हुआ? 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से इंटू 4, कितना बन रहा है? 1,000 के एरियर्स आ गए ना, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 2502, 2502.5, 2502.5, तो ये इसकी ग्रॉस हो जाएगी जी। एरियल एरियर का मतलब बकाया जात, ड्यूज, ड्यूज आपके। अच्छा जी, जनवरी, पहले तो जनवरी की बेसिक पे कैलकुलेट कर लेते। क्वेश्चन नंबर 16 के, इसमें टास्क ए है, व्हाट विल बी योर बेसिक पे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स? जनवरी की बेसिक पे निकालनी। जनवरी की, जनवरी की बेसिक पे क्या होगी? हाँ क्या, 9,000 पर ईयर है ना, एनुअल सैलरी है 9,000, डिवाइड कर देंगे 12 से, कितना आ रहा है? 750। ये तो जनवरी की बेसिक पे हो गई थी। सेकेंड मई की बेसिक पे, तो मई में इसका क्या था, इंक्रीमेंट हुआ है ना कुछ, तो 1 अप्रैल से 10% इंक्रीज हो गई है, तो एनुअल सैलरी हो जाएगी 9,900। तो 9,900 डिवाइडेड बाय 12, मंथली कितनी हो गई? 825, ठीक है। तो थर्ड में जुलाई, जुलाई की बेसिक पे। अच्छा क्या हुआ था फर्दर है, यू आर इन्फॉर्मड ऑन 20 मई दैट एवरीवन इन कंपनी इज टू रिसीव पे राइज, योर्स वर्कआउट एट 600 पर ईयर है, इन एडिशन टू 10% राइज यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। अच्छा ये इफेक्टिव कब से होगी? 1 जुलाई से। अच्छा जुलाई में बेसिक पे तो उसकी हो जाएगी वो 825 ही होगी ना, 825 मई जून जुलाई। अब यहाँ पर ये 600 का इसका राइज आ रहा है ना, पे राइज 600 पर ईयर है, पर ईयर है, तो उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, पर मंथ कितने बन गए? 50। दोनों को ऐड कर देते हैं, 875, सही है। अच्छा ये तो हो गए रिक्वायरमेंट ए। जब बी पे आते हैं आप, पार्ट बी इसका, तो रिक्वायरमेंट बी, पार्ट बी की रिक्वायरमेंट ए, इसमें क्या है? 31 दिसंबर हाउ मच बेसिक पे वुड यू हैव रिसीव्ड सिंस जनवरी 1? पूरे साल की बेसिक पे बतानी। अच्छा देखिए जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च,
3 months की पे तो वही रहेगी ना, तो ये हो जाएगी जनवरी टू मार्च, तो कितना 750 × 3 टोटल कितना बना 225 जीरो। अच्छा फिर अप्रैल से जून तक ना, अप्रैल मई जून, अब यहाँ पे क्या हो गया 825 हो गई थी ना अप्रैल में, 825 × 3 2475, और जुलाई से फिर इसकी पे हो गई जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 मंथ, तो ये जुलाई से इसकी पे कितनी थी 875, यहाँ लिखेंगे 875 × 6 5250, इन तीनों को ऐड कर देते हैं 99 75 ही हो गए जनवरी से दिसंबर तक की बेसिक पेज। इसका की पार्ट, अज्यूमिंग नो फर्दर राइजेस, हाउ मच बेसिक पे कुड यू एक्सपेक्ट टू रिसीव इन इन द 12 मंथ्स टू 31 मार्च 2023। अच्छा मार्च 3 पे चला गया, तो करंट ईयर के अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के मार्च तक, अप्रैल से करंट ईयर के अप्रैल से अप्रैल मई जून, इसमें तो ये वाली वर्किंग आ जाएगी ना, अप्रैल मई जून, इसी को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते। इसके बाद जुलाई से दिसंबर, यही कैलकुलेशन होगी ना, जुलाई से दिसंबर आएगा ना अभी, अब नेक्स्ट ईयर आ जाए जनवरी फरवरी मार्च। अच्छा इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो भाई 875 का रेट होगा और × 3 कर दें, क्या बन रहा है 10,400। हम इसको ऐड कर लेते हैं तीनों को, ये बताएं जो मैंने पूछा 2625, तीनों को ऐड करते हैं 10,350 आंसर है। ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हम बनाएंगे एंट्रीज और टी अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा पहले ग्रॉस पे दी हुई है 27,294, इसके बाद ये डिडक्शंस हैं पे। अच्छा पे की फुल फॉर्म क्या होती है, PAYE, पे एज यू अर्न, और एग्जांपल में इनकम टैक्स आ जाता है, इनकम टैक्स होता है। इसके बाद एम्प्लॉयर्स एनआईसी कंट्रीब्यूशन हो गया, एम्प्लॉयज एनआईसी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज सेविंग डिडक्शंस हैं, नेट अमाउंट्स पेड टू एम्प्लॉयज है। अच्छा कंपनी पेड 9,340 ड्यूरिंग द मंथ, पेइंग 4,750 पे एंड 4,590 एनआईसी, जो डिडक्शन की उसमें से कुछ अमाउंट कंपनी ने गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज बनाते हैं। अच्छा पहले हम रिकॉर्ड करेंगे ग्रॉस पे, ग्रॉस पे कितनी है 27,294। तो अच्छा नॉर्मली इसकी एंट्री होती क्या है, सैलरी वेजेस के नॉर्मल एंट्री क्या होती है वैसे, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, और अगर पे नहीं किया तो पेबल क्रेडिट हो जाएगा, सही है। एक्सपेंस डेबिट होंगे तो इसका अकाउंट बनेगा वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होंगे, ग्रॉस पे से ग्रॉस पे कितनी है 27,294। अच्छा एक्सपेंसेस तो हो गए डेबिट में। अच्छा मैं ये बताएं जो डिडक्शंस हैं, डिडक्शंस कौन करता है, सैलरी से डिडक्शन कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है, फिर वो गवर्नमेंट को पे करता है ना, तो एम्प्लॉयर के लिए ये क्या बन जाएंगी डिडक्शंस, लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा तो लाइबिलिटी डिडक्शंस के एम्प्लॉयर के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कहाँ आएंगी, क्रेडिट पे ना,
आप डिडक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जिसका जो अकाउंट बनेगा वो बंधक पे ही कंट्रोल अकाउंट के नाम से बनेगा। ये डिडक्शंस क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे 6101। इसके बाद ये तो एम्प्लॉयर एनआईसी है, ये छोड़ दें एम्प्लॉयज एनआईसी, इसका अकाउंट बनेगा ये एनआईसी कंट्रोल अकाउंट के नाम से। क्रेडिट कितना है 2240। इसके बाद है एम्प्लॉय सेविंग डिडक्शंस, इसका एक अकाउंट बन जाएगा सेविंग्स कंट्रोल अकाउंट के नाम से, कितना है 875। अच्छा भी ग्रॉस में से डिडक्शंस माइनस कर दे तो क्या बचता है, नेट पे। अच्छा नेट पे भी एम्प्लॉयर के लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है, तो इसका अकाउंट बनेगा फिर क्रेडिट। अच्छा नेट पे कितनी है, इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ पर अमाउंट बताया भी हुआ नीचे 18,078, 18,078 नेट पे। तो इसका जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा फिर वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट के नाम। ये हमने ये ग्रॉस पे डिडक्शंस और नेट पे हमने रिकॉर्ड कर, ग्रॉस पे रिकॉर्ड हो गई, टोटल एक्सपेंस डेबिट हो गए, ये लायबिलिटी सारी क्रेडिट हो गई। नेक्स्ट ये इसमें रह गया था एम्प्लॉयर्स एनआईसी। अच्छा एम्प्लॉयर तो कंट्रीब्यूट करता है ना, तो इससे एम्प्लॉयर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होंगे, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कितने 2,612। अरे डिडक्शन है तो ये आपका एनआईसी कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाए, जैसे ऊपर में क्या था एनआईसी कंट्रोल अकाउंट, इसी तरह यहाँ भी ये एनआईसी कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो, ये एंट्री हो गई एम्प्लॉयर्स एनआईसी कंट्रीब्यूशन की। एक तरफ उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, दूसरी तरफ लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, एक्सपेंस इंक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज, क्योंकि जो एनआईसी में जो डिडक्शन होती है एम्प्लॉय की और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, दोनों गवर्नमेंट को पे करना होता है। अच्छा इसके बाद अब ये नेट अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज, नेट अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज है, तो ये जो वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट है ये डेबिट हो जाएगा। अब डेबिट में हम देखेंगे वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे और अमाउंट आ जाएगा 18,075 का, और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा ना, ये नेट अमाउंट हमने एम्प्लॉयज को पे कर दिया, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट और बैंक डिक्रीज क्रेडिट हो गया। क्लियर 18,078 सही। नीचे लिखा था कंपनी पेड 9,340 ड्यूरिंग द मंथ बीइंग 4,750 पे एंड 4,590 एनआईसी। अब जो डिडक्शंस की वो कंपनी गवर्नमेंट को पे कर रही है। अच्छा तो डिडक्शंस के टाइम पर हमने ये लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट किया था, पेमेंट के टाइम पर ये डेबिट हो जाएंगे ना, पे कंट्रोल अकाउंट और एनआईसी कंट्रोल अकाउंट, ये दोनों डेबिट होंगे क्योंकि लायबिलिटी अब डिक्रीज हो रही है ना, और बैंक हो जाएगा क्रेडिट कर देंगे। पहले डेबिट में लिख लेते अमाउंट कितना है, पेई का 4,750 और एनआईसी का अमाउंट कितना है 4,590 और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। टोटल अमाउंट कितना था 9,340। ठीक है ये डिडक्शन हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, ये टोटल एंट्रीज कंप्लीट, टोटल 4 एंट्रीज हैं कंप्लीट, ये कॉपी कर लें। फिर इसमें एक पॉइंट और है वो समझाता हूँ मैं आपको। अच्छा देखिए जो फर्स्ट एंट्री हमने बनाई इसमें हमने ग्रॉस पे रिकॉर्ड कर ली, डिडक्शन रिकॉर्ड की, नेट पे रिकॉर्ड की। जब बुक्स में इस एंट्री को उसने दो में रिकॉर्ड किया, दो में डिवाइड किया बुक्स में, ठीक है बुक्स में कुछ इस तरह एंट्री बनेगी, पेजेस एंड पहले वो सिर्फ ग्रॉस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं,
वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 27,294, और उसके बाद फिर वो वेजेस वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया। पहले सिर्फ ग्रॉस पे रिकॉर्ड किया उसने 27,294। में कुछ ऐसा है, पहले एंट्री में क्या सिर्फ ग्रॉस पे रिकॉर्ड किए, सेकंड एंट्री में उसने डिडक्शंस को रिकॉर्ड किया है। अच्छा, डिडक्शंस में ये यहीं से कॉपी कर लेता हूं मैं, ये सब तो हो जाएंगे क्रेडिट। डिडक्शंस अकाउंट क्रेडिट हो गए 6,101,224 और 875। और उसके बाद उसने क्या किया, जो वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट है इसको डेबिट कर दिया डिडक्शंस के टोटल से। डिडक्शंस का टोटल करें 9,216। से कुछ इसने एंट्रीज बनाई, पहले वाली एंट्री को दो में उसने ब्रेक किया। अच्छा, इसका नेट इफेक्ट देखें सेम आएगा, को कंपेयर करते हैं। पहले हमने डेबिट किया वेजेस सैलरीज एक्सपेंस, यहाँ डेबिट हो रहे हैं सेम। अच्छा, डिडक्शंस को हमने क्रेडिट किया, डिडक्शंस यहाँ पे क्रेडिट हो गई। अब इसमें देखिए चेंज यहाँ पर है, वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट है, इसके बाद ये वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट डेबिट हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस निकालें, 27,294 और 9,216 का डिफरेंस, इसका नेट इफेक्ट आ जाएगा ना। यहाँ देखिए हमने वेजेस सैलरीज कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट किया 18,078। तो दो एंट्रीज बना लें, ये कंबाइन एंट्री बनाए, इफेक्ट वही होगा, बात वही है, सही है। हाँ, यही आएगा। देखिए यहाँ पहले इसको क्रेडिट किया ग्रॉस से, फिर हमने डिडक्शन से डेबिट किया, तो नेट वाला अमाउंट आ गया ना। दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट सेम रहेगा, लेकिन आप दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में किसी भी तरह पूछ सकता है। हाँ, क्या पूछे? नहीं सर, नहीं अभी करेंगे क्वेश्चन, आइडिया हो जाएगा। ग्रॉस पे जैसे कह रहे थे तो ये आ जाए, मसला नहीं होगा, फिर करते हैं क्वेश्चन।